हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स। दिस इज मी सागरिका सिंह एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th फाइन आर्ट्स, जिसके अंदर ये चारों के चारों सब्जेक्ट्स आते हैं। इसका यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज आपका पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, प्रॉपर वीडियो है जिसके अंदर हमने एनसीईआरटी कवर की है, पैनोरामिक, फुल मार्क्स, आपके जो भी कोई आप इंटरनेट से नोट्स वगैरह ढूंढते हो सबकी सब चीज़ें उस वाली वीडियो के अंदर है। इस वीडियो के हम लोग पहाड़ी स्कूल के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ऑल्सो मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया था कि ये सीक्वेंस में आपका लास्ट है चैप्टर, तो उसके अकॉर्डिंग इसी मुगल, डेक्कन, राजस्थानी एंड देन पहाड़ी, तो ये सीक्वेंस है, तो उसके हिसाब से सबसे लास्ट में रहा है ये पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो जितनी भी आगे हम लोग पेंटिंग्स पढ़ेंगे, जितने भी सब स्कूल्स पढ़ेंगे, सारी की सारी चीज़ों के अंदर आपको यही चीज़ जानने को मिलेगी कि यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स है वो सबसे एंड में आई थी। ठीक है, चलो सो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। सो जब हम बात कर रहे हैं इसके ओवरव्यू के बारे में, तो ओवरव्यू में सबसे पहली चीज़ है कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी है चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट थिंग इज़ योर इंट्रोडक्शन, कि इंट्रोडक्शन आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे ये जो पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ एंड कैसे उसकी और डेवलपमेंट हुई आगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम उसके सब स्कूल्स के बारे में जानेंगे। सब स्कूल में यहाँ पे है तो काफ़ी सारे, बट मेन जो है मेन आएंगे पे खाली 3, बसोली, गुलेड़ एंड कांगड़ा, ये 3 आपके मेन हैं। बाकी इसके अलावा कुल्लू, मंडी, चंबा, गढ़वाल, ये बहुत अलग अलग भी हैं बट मेन यही 3 हैं। ठीक है, अगर इन तीनों को अच्छे से कर लिया, ठीक है, इन तीनों को अच्छे से कर लिया, तो इसके बाद जो है सब्जेक्ट मैटर और मेन फीचर्स, तो इन सब में से बना करके ही आप सब्जेक्ट मैटर और मेन फीचर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से सब स्कूल्स करना ही करना, क्योंकि वो पेपर में पूछते भी हैं। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे इसकी पेंटिंग्स पे। 2 ही पेंटिंग्स पढ़नी है, बहुत इजी हैं, कृष्णा विद गोपीज एंड नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। अब जैसा मैं हमेशा से बताती आ रही हूँ कि जब आपको कोई पेंटिंग याद करनी है तो याद रखना कोई भी पेंटिंग को याद करने का खाली एक ही तरीका है, दैट इज़ उस पेंटिंग को पहले अच्छे से देखो, उसको समझो, उसके बाद अपनी फ़ोटो निकाल करके रख लो, प्रिंट आउट। ठीक है, वो अपने पास निकाल करके रखो, दैट्स इट। आपको जैसे जैसे जो पूरी की पूरी पेंटिंग है वैसे आपको वो सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से आते हैं कि भाई जो पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है वो कहाँ पे और कैसे डेवलप हुआ। सबसे पहली चीज़ जैसा कि आपको वर्ड पता चल रहा है पहाड़ी स्कूल, तो पहाड़ी मतलब पहाड़ी का इलाका, पहाड़ी पे कौन सा इलाका, जहाँ पे भाई जो आपका जम्मू का एरिया है, जहाँ पे आपका हिमालयन रीजन्स है वो पूरा का पूरा, ठीक है, नॉर्थ वाला एरिया, वहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स है आपकी डेवलप हुई थी। अब वहाँ पे कौन कौन सी जगह पे हुई थी, बसोली, गुलेड़, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, मंडी, नूरपुर, ठीक है, यहाँ पे आपकी जितनी भी पेंटिंग्स थी वो डेवलप हुई थी कितने टाइम के बीच में, 17th से 19th सेंचुरी, सबसे लास्ट में आता है ये सीक्वेंस में ये वाली जगह। एंड यहाँ पे सबसे पहली जहाँ पे जो पेंटिंग डेवलप हुई थी वो थी बसोली के अंदर, पहाड़ी इलाके में भी सबसे पहले जहाँ पे डेवलप हुई थी वो बसोली के अंदर थी, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा ही प्रीडोमिनेंटली तरीके से सोफेस्टिकेटेड एंड एक्सक्विजिट तरीके से दिखाई गई थी, मतलब कि बहुत अच्छे। बाद मैंने क्लाउड में बना रखा है साइड में बीएन गोस्वामी, इनका बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल रहा है पहाड़ी स्कूल को शेप करने में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जितनी भी पेंटिंग्स थी ना बसोली के अंदर की उनको बहुत ही पोएटिक और लिरिकल मैनर में दिखाया था, बहुत ही सोफेस्टिकेटेड तरीके से। कांगड़ा फेस के अंदर जितनी भी स्टाइल्स वगैरह थे वो यहीं से आए थे, इनके कहने से, इनके इन्फ्लुएंस से आए थे। ठीक है, एंड जितनी भी आपकी पहाड़ी पेंटिंग्स हैं, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग की जितनी भी पेंटिंग्स, नेचर के बारे में दिखाना, फेशियल फीचर्स के बारे में दिखाना, आर्किटेक्चरल फीचर्स, बोल्ड लाइंस, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं जितनी भी पेंटिंग्स हमें आगे देखेंगे पहाड़ी स्कूल के अंदर। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं कि भाई मिड 18th सेंचुरी के अंदर, 17th, 18th, 19th, ठीक है, मिड 18th सेंचुरी के अंदर यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स थी वो प्री कांगड़ा फेस से कांगड़ा फेज़ में आ गई। ये वो ये जो कांगड़ा का भी आपको मैंने बताया ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा जब हम लोग अभी सब स्कूल करने वाले हैं। ठीक है, तो कांगड़ा फेज़ के अंदर से प्री कांगड़ा फेज़ से कांगड़ा फेज़ के अंदर आ गई जितनी भी पेंटिंग्स थी। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज सिर्फ एक ही था कि भाई जितनी भी पेंटिंग्स थी वो पहले मुगल्स के अंडर बन रही थी। ठीक है, औरंगज़ेब आया, उन्होंने सारे पेंटर्स को वहाँ से भगा दिया कि भाई मुझे पेंटिंग्स नहीं पसंद है, तो जितने भी पेंटर्स थे वहाँ से वो जैसे ही नीचे आए, नीचे इन द सेंस मुगल, डेक्कन, राजस्थानी एंड पहाड़ी। ठीक है, तो जब वो पहाड़ी वाले एरिया पे आए तो पहले तो कुछ पेंटर्स थे ना ऑलरेडी पहाड़ी में,
अब वो जो ऊपर से पेंटर्स नीचे आए, अब ये सब मिल करके जो पेंटिंग्स बना रहे थे उनमें कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आए, उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आए। तो यही चेंजेस, यही सारी बातें जो हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, यही हमें देखने को मिलती हैं जितनी भी आपकी पेंटिंग्स थी उसके अंदर। अलग अलग आर्टिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन दिया, अलग अलग जितनी भी पेंटिंग्स थी उनको राइज किया, एक्सप्रेशंस को राइज किया। ठीक है, एक्सप्रेशन माने फेशियल के एक्सप्रेशंस थे यहाँ पे, मतलब कि अपने अलग अलग ढंग से करती थी वो नॉर्मल डेली रूटीन से रिलेटेड पेंटिंग्स को बनाना। कभी कभी ओकेजन जैसे कि किंग्स के लाइव्स को दिखाया गया, वो सारी चीज़ें बताई गई। फिर फीमेल की पिक्चर्स को दिखाना, उनके आइडियलाइज फेस को दिखाना। यहाँ पे कृष्ण राधा जी की भी थीम्स थी, वो भी काफ़ी बनाई गई। आपको जो दो पेंटिंग्स भी करनी है ना, कृष्णा विद गोपीज एंड नंद यशोदा एंड कृष्णा, उनमें भी आप देख सकते हो कि कैसे आपको कृष्ण जी और राधा जी के बारे में बताया गया है, कृष्ण जी के बारे में भी दिखाया गया है। वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग देखेंगे जितनी भी हमारी पहाड़ी पेंटिंग्स होंगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके बसोली स्कूल से। ये तो सब स्कूल्स में सबसे पहले हम लोग आते हैं बसोली के ऊपर। बसोली वो जगह जहाँ पे सबसे पहली जो पेंटिंग्स हैं वो प्रिवेल होना, बनना शुरू हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे सबसे जितनी भी पेंटिंग्स बनती थी बहुत ही मोस्ट ड्रामेटिक वे में पेंटिंग बनाई जाती थी। ड्रामेटिक वे में कहने का मतलब है काफ़ी डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स होते थे, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड, डिस्टिंक्टिव, यूनिक, जो भारी भारी वर्ड्स मैं बोल रही हूँ ना, इन्हीं तरीक़ों से ऐसे ही पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई जाती थी। ठीक है, एंड किसके अंडर बनाई जाती थी, कृपाल पाल, ये वहाँ पे उस टाइम पे प्रिंस थे जिनके अंदर जितनी भी पेंटिंग्स थी वो बनना शुरू हो गई थी। ठीक, एंड जितनी भी पेंटिंग्स बन रही थी वहाँ पे काफ़ी वॉर्म कलर्स का यूज़ किया जाता था, प्राइमरी कलर्स एंड वॉर्म कलर्स का। फॉर एग्जांपल येलो कलर हो गया आपका, ठीक है, ये वॉर्म टोन्स में आते हैं, येलो एंड रेड और इतना सुंदर सुंदर कलर्स, उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया था जितनी भी पेंटिंग्स होती थी उस टाइम की। ठीक है, एंड यहाँ पे आप बसोली का एक सिग्निफिकेंट करेक्टर, जब आप इसका डिस्क्रिप्शन लिखोगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको बताना है पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। ठीक है, तो उसका इंट्रोडक्शन लिख दोगे, उसके बाद आप इसके सब स्कूल्स के बारे में जब बताओगे तो इसका मेन सिग्निफिकेंट करेक्टर लिखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यही चीज़ आपका जो बसोली का जो सिग्निफिकेंट करेक्टर है ये आपके वन मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप, आई होप, मैं होप करती हूँ आपके पास आपकी नोटबुक भी हो तो वहाँ पर वन मार्क कर लो कि ये वन मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या चीज़ भाई, कि भाई सिग्निफिकेंट करेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितनी भी उस टाइम पे चीज़ें बनाई जाती थी, स्मॉल शाइनी जो ग्रीन चीज़ें होती थी वो बनाई जाती थी बीटल विंग्स की मदद से। ठीक है, एंड वहाँ पे जितने भी एमरल्ड, एमरल्ड ये वर्ड आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एमरल्ड इज़ कि वो एक ग्रीन सा शाइनी सा स्टोन होता था, उसको बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो ये एक सिग्निफिकेंट करेक्टर है कि हाँ कहाँ से उस टाइम पर जो कलर्स थे वो ऑब्टेन किए जाते थे। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ वहाँ पे आपके काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट और एलिगेंट कलर दिखाए जाते थे। एंड उसी के अंदर अब किसको बनाने के लिए, वाइब्रेंट और एलिगेंट कलर किसको बनाने के लिए, चारू पंचिका ग्रुप ऑफ पेंटिंग, ये ग्रुप ऑफ पेंटिंग था, मतलब एक सीरीज़ मान लो, उसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट और अच्छे एलिगेंट कलर दिखाए जाते थे। कहाँ पे यूज़ होता था, ये वेस्टर्न इंडिया के अंदर। ठीक है, ये वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ जो फर्स्ट पार्ट था इसके अंदर कि हाँ भाई कैसे कलर्स यूज़ किए जाते थे, प्राइमरी और वॉर्म कलर्स, एंड क्या इसका सिग्निफिकेंट करेक्टर है, दैट इज़ कि भाई स्मॉल शाइनी चीज़ों को दिखाने के लिए जितनी भी चीज़ें थी उसका बीटल विंग्स का यूज़ किया जाता था। ठीक है, जिसका एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब यहाँ पे आते हैं कि कौन कौन से जो पॉपुलर थीम्स थे जो बनाए जाते थे यहाँ पे आपके बसोली स्कूल ऑफ नीचे बसोली स्कूल के अंदर, वो है आपके रासामंजरी, रामायण एंड भगवत पुराण। ये तीन जो हैं ये मेन और पॉपुलर थीम्स थे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो था आपका रामायण। ठीक है, रामायण के बारे में आगे भी आपके दो पेंटिंग्स दे रखी हैं एनसीईआरटी के अंदर, जिसके बारे में पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन है, मैं आपके लिए फोटो यहाँ पर लगा दूंगी, कुछ नहीं है, बस इस पेंटिंग का खुला खुला डिस्क्रिप्शन दे रखा है, दैट्स इट। ठीक है, ओके, फिर हम लोग आते हैं कि पेंटिंग्स जितनी भी बनाई जाती थी वो किसके लिए बनाई जाती थी। भाई ऑफकोर्स ये बात है, राजाओं महाराजाओं का टाइम था, तो राजाओं से रिलेटेड, उनके कोर्ट कोर्टिशंस होते थे उनसे रिलेटेड, जितने भी उनके कॉन्सर्ट्स हो गए उनसे रिलेटेड, फिर आपके आर्टिस्ट हो गए, आर्टिस्ट के मेम्बर, मर्चेंट्स, एस्ट्रोलॉजर्स, उनको दिखाने के लिए जितनी भी पेंटिंग्स थी वो बनाई जाती थी। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ जो पेंटिंग्स थी, अब बसोली की पेंटिंग्स कहाँ कहाँ पे और फेमस हुई, दैट वर आपका भाई चंबा और कुल्लू, इन दोनों जगह पे आपकी जो पेंटिंग्स थी वो फेमस हुई, एंड वहाँ पे एक नया स्टाइल भी निकल करके आया। ठीक है, बसोली से ही एक नया स्टाइल निकल करके आया, दैट इज़ आपका बसोली कलम नाम का। ठीक है, बसोली कलम नाम का एक स्टाइल निकल करके आया, जो कि बसोली कलम क्या था, इसके अंदर आपका गुलेड़ और कांगड़ा स्टाइल, इसका मिक्सचर था।
ठीक है, जब हम लोग आगे और पढ़ेंगे आपको पता चलेगा गुलेड़ो कांगड़ के अंदर कैसे इनका स्टाइल निकल करके आया, एंड जो आपकी बसोली पेंटिंग्स थी अब वो कहाँ कहाँ पर और फेमस हुई, वही आपका मानकोट, नूरपुर, मंडी, गुलेड़ और कांगड़ा, ठीक है। तो ऐसे करके इन इन जगहों पर जो आपकी पेंटिंग्स थी वो फेमस हो गई, जहाँ की कहीं बसोली से, क्योंकि बसोली जो था वो सबसे पहले आपका आया था पेंटिंग्स में, ठीक है, यहीं पर सबसे ज़्यादा पेंटिंग जो थी वो फेमस हुई थी, ठीक। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं गुलेड़ के ऊपर कि गुलेड़ में जो पेंटिंग्स थी वो कैसे डेवलप और कैसे आगे। तो गुलेड़ में आपका 18th सेंचुरी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ कि भाई जितनी भी पेंटिंग्स जो आपकी बसोली के टाइम पे बनी थी वो गुलेड़ कांगड़ा स्टाइल में ट्रांसफॉर्म हो गई, एंड इसी के साथ साथ जो रिफाइनमेंट आया गुलेड़ कांगड़ा कलम जो पेंटिंग्स का नाम बनता था, ठीक है, ये जो स्टाइल है गुलेड़ कांगड़ा कलम का जो कैसे इसमें रिफाइनमेंट आया, इनमें रिफाइनमेंट आया भाई पंडित सेऊ, जो दो पंडित थे मनक एंड नैनसुख। मनक इज ऑल्सो नोन एज मनकू। मनकू ये वही आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पेंटिंग बनाई है आपकी, जगह आपको आगे जाके पढ़नी है, दैट इज आपका कृष्णा विद गोपीज, एंड नैनसुख इज फॉर योर नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, ठीक है। तो ये दो मेन आर्टिस्ट थे, इनके वजह से ही जो पूरा का पूरा गुलेड़ आपका स्कूल है सबसे ज़्यादा वो रिफाइंड हुआ, ठीक है। अब जो नैनसुख का काम था उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई बहुत सारी जो बलवंत सिंह के अंदर वो काम कर रहे थे, राजा थे उस टाइम पे, तो बलवंत सिंह के अंदर वो काम कर रहे थे, तो वो उनसे इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि वो जितनी भी पेंटिंग्स बनाते थे वो बलवंत सिंह के बारे में ही बनाते थे, उनकी वो कैसे पूजा कर रहे हैं, वो कैसे सर्वे कर रहे हैं बिल्डिंग की स्टेज को, वो कैसे कैंप में बैठे हुए हैं, उनको दिखाते थे अपनी जितनी भी पेंटिंग्स थी उसके अंदर। इसी के साथ साथ जितने भी इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स हो गए आपके उनको दिखाना, एंड पेस्टल शेड्स का यूज़ करके, वाइट और ग्रे कलर का यूज़ करके जितनी भी पेंटिंग्स थे ये वो बनाते थे। इसकी बात कर रही हूँ मैं, नैनसुख की बात कर रही हूँ। अब हम लोग दूसरी जगह आते हैं, दैट इज़ आपका मनकू। मनकू और मनक, ठीक है, मनक उनका रियल नेम था। तो मनक जो है जितनी भी पेंटिंग्स बनाते थे वो बनाते थे, उनका मोस्ट रिफाइंड वर्क में से एक वर्क है गीत गोविंद, ठीक है। गीत गोविंद उन्होंने बनाई थी कहाँ पे, गुलेड़ के अंदर, और किसका यूज़ किया गया था भाई, जितनी भी आपकी बीटल विंग्स थे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी बसोली स्कूल में, ठीक है, उनका यूज़ करके जितनी भी पेंटिंग्स थी यहाँ पे उन्होंने वो बनाई, एंड और भी जो राजाओं की बनाई थी, जिन राजाओं और उनकी फैमिली की बनाई थी, तो उनमें किस राजा की बनाई थी, राजा गोवर्धन सिंह और उनकी फैमिली के बारे में जितनी भी पेंटिंग्स थी वो बनाई गई थी। सो दैट्स इट फॉर योर गुलेड़ स्कूल। यहाँ पे आपको बस एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये है कि भाई यहाँ पे आपका 18th सेंचुरी में स्टाइल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था गुलेड़ कांगड़ा स्टाइल का, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट कि यहाँ पे जो मेन काम किया था वो किया था मनकू ने, मनक और नैनसुख ने, ठीक है। बस आपको ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप गुलेड़ स्कूल के बारे में लिखोगे तब। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सब स्कूल, दैट इज हो गया आपका कांगड़ा स्टाइल। यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स थी वो आपकी फ्लरिश हुई थी राजा सानासर चंद के अंडर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इनसे पहले जो राजा थे ना वो थे प्रकाश चंद, ठीक है। तो उनके अंडर पहले मनकू काम करते थे, मनकू जो आर्टिस्ट थे, ग्रेट आर्टिस्ट जो गुलेड़ के टाइम पे हमने देखे थे, ठीक है, मानक मनकू, तो उनके अंडर पहले वो काम करते थे, बट उनका रेन नहीं चल पाया, इस वजह से वो जो आर्टिस्ट थे मनकू अब वो राजा सारासर चंद के अंडर आके काम करने लग गए थे, ठीक है। तो ये एक थोड़ी बैक स्टोरी थी कि मनकू जो आर्टिस्ट थे उन्होंने यहाँ पे भी काम काफ़ी किया है, एंड राजा सानासर चंद के अंदर ही जितने भी हिल स्टेट्स थे इंक्लूडिंग कांगड़ा में काफ़ी ज़्यादा ही ब्लॉसम हुई जितनी भी पेंटिंग्स थी वो, एंड इन्हीं के अंडर आपका जो तीरा सुजानपुर है, ये जो जगह है सबसे पहले आपके जो पेंटिंग्स हैं वो सेंटर बन के आया वो यही है तीरा सुजानपुर कांगड़ा के अंडर, ठीक है। एंड इसके अलावा बाकी जो कांगड़ा की पेंटिंग्स थी जिनका स्टाइल था वो कहाँ कहाँ पे फैला, सबसे अर्लीस्ट फैला था वो आपका आलमपुर में, और सबसे लेट जो फैला था वो था, मेच्योर तरीके से फैला था वो था आपका नादुन में, एंड जितने भी ये सेंटर्स हैं वो सब के सब ऑन द बैंक ऑफ रिवर बीएस का जो रिवर है, सॉरी कनर प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो जो रिवर बीएस है उसके अराउंड पे जितनी भी जो पेंटिंग्स हैं वो फैली थी, ठीक। फिर आते हैं कि भाई जितनी भी पेंटिंग्स थी वो किस किस थीम्स के ऊपर बनाई गई थी। सबसे पहला है आपका भागवत पुराण, यहाँ पे सबसे अच्छे तरीके से बहुत ही ग्रेटेस्ट अचीवमेंट पे जितनी भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी पहाड़ी स्कूल के अंदर कांगड़ा स्टाइल के अंडर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई थी, जितने भी रिफाइंड तरीके हो गए, फाइन लाइंस दिखाना, कोई भी चीज़ को पोर्ट्रे करना, कोई भी थीम को बनाना भगवत पुराण के अंदर बहुत ही अच्छे से बनाई गई हैं, ठीक है, ये एक इसका प्रोमिनेंट थीम है, ठीक है। फिर लोग आते हैं गीत गोविंद हो गया, नाला दमयंती हो गया, बिहारी सतसाई, रागमाला, बारामासा,
बारहमासा जो मैंने आपको ऑलरेडी राजस्थानी स्कूल में भी पढ़ाया था, ठीक है, तो यहाँ पे भी बारहमासा के बारे में बताया गया है। बारहमासा जहाँ पे आपको 12 मंथ्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी जो पेंटिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा बनाई गई। फिर हम लोग आते हैं कि भाई यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटर्स हैं वो तीन इम्पॉर्टेंट पेंटर्स थे कांगड़ा स्कूल के अंदर, फट्टू, पुरकू एंड कुशाला, ये तीन नाम हैं जो पेंटर्स के, इनको याद रख। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जबकि कांगड़ा स्कूल के अंदर भी हैं जो आप मेन फीचर्स में भी लिख के आ सकते हो, ठीक है, तो याद रखना कि भाई बहुत ही पोएटिक तरीके से दिखाई गई थी, लिरिकल मैनर से इंडियन स्टाइल्स की जितनी भी पेंटिंग्स थी वो सारी बनाई गई थी, एंड काफ़ी ब्यूटी को काफ़ी अच्छे तरीके से, डेलिकेट तरीके से ब्यूटी एंड सीनरी को दिखाया गया था, बहुत अच्छे से ब्रिलियंट कलर्स को दिखाना एंड डेकोरेटिव स्टाइल्स और फीमेल फिगर्स को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था। ये इसके कुछ थे भाई क्या मेन फीचर्स। एंड इसी के साथ साथ वन मार्कर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है आपकी अष्टनायिका, कांगड़ा स्टाइल पहाड़ी स्कूल ऑफ फर्नीचर पेंटिंग के अंदर कांगड़ा स्टाइल के अंदर अष्टनायिका, अष्टनायिका माने आठ हीरोइंस, एट हीरोइंस को दिखाया गया था, जितनी भी पेंटिंग्स थी जितनी भी थीम्स थी उसको बनाया। फटाफट से साइड में आते हैं, मैंने छोटे छोटे लिखे हैं तीन सब स्कूल, कुल्लू, मंडी एंड गढ़वाल। ये इसमें क्या है, जितना स्क्रीन पे है दैट इज़ मोर देन इनफ, वैसे जितना स्क्रीन पे होता है दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ, ठीक है, ये पूरी एनसीईआरटी आपकी ऑलरेडी कवर्ड है, याद रखना। ओके, सो कुल्लू में आपका डिस्टिंक्टिव स्टाइल जो था वो काफ़ी ज़्यादा आया था, वहाँ पर डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स कैसा आया था कि भाई वाइड ओपन आईज दिखाई गई थी, ये आपके मेन फीचर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वाइड ओपन आइज दिखाई गई थी, आपकी लैविश यूज़ ऑफ ग्रे कलर का और रेड कलर का दिखाया गया था, एंड यहाँ पे संगारी रामायण जो थी वो कुल्लू वैली के अंदर 17th सेंचुरी में बनाई गई थी, दैट्स इट फॉर योर कुल्लू स्कूल ऑफ पेंटिंग। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट मंडी, दो लॉर्ड से विष्णु जी एंड शिवाजी, इनके बारे में जितनी भी पेंटिंग्स थी वो बनाई जाती थी, एंड कृष्ण लीला थीम्स हो गई, शिवाई थीम्स हो गई, उनको बनाया जाता था, एंड गढ़वाल के अंदर आपके जो मोलाराम आर्टिस्ट हैं उनका काफ़ी ज़्यादा रोल दिखाया गया है, एंड गढ़वाल के अंदर ही हम लोग जो जितने भी कांगड़ा स्कूल है उनका रोल कहीं ना कहीं देख सकते हैं। सो विद दिस आपके जितने भी सब स्कूल्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। नाउ अब हम लोग बढ़ेंगे इसके सब्जेक्ट मैटर पे और मेन फीचर। सब्जेक्ट मैटर और मेन फीचर दोनों वही हैं जो हम लोग अभी जितना हमने सब स्कूल्स के अंदर पढ़ा है वही यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन से सब स्कूल तक जितना पढ़ा है। सब्जेक्ट मैटर के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी सबसे स्टार्टिंग में बताया था इंट्रोडक्शन में कि भाई जितनी भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी बहुत ज़्यादा नेचुरल तरीके से, प्लीजेंट वेदर दिखाना, नेचर को डिपेक्ट करना, एंड जितनी भी आपकी फिर फीमेल फिगर को दिखाना, उनकी ब्यूटी को डिपेक्ट करना, फाइन लाइंस को दिखाना, ये इसका सब्जेक्ट मैटर का पहला पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट की भाई जितनी भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी वो कहीं ना कहीं पोएट्री से ली जाती थी, मोतीराम, बिहारी, केशव, तुलसीदास, इनकी जितनी भी पेंटिंग्स थी उनको एज अ थीम, उनको एज अ बेस मान करके फिर उनसे पेंटिंग्स को बनाया जाता था, ठीक। एंड यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स बनी उसमें से फेमस पेंटिंग्स बहुत ही, और रागमाला पेंटिंग्स, गीत गोविंद ऑफ जयदेवा, नायक नायिका भेद, इनकी पेंटिंग्स बहुत सारी बनी थी, एंड कृष्ण लीला की भी थीम्स बनी थी, शिवाइट की भी थीम्स बनी थी, ठीक। एंड इसी के अंदर जो आपके रिलीजियस और रोमांटिक थीम्स दोनों के अंदर आते हैं वो है आपका कृष्ण जी एंड राधा जी की थीम्स, कृष्ण जी को एज अ हीरो माना जाता था एंड राधा जी को एज अ हीरोइन माना जाता था, ठीक है, तो उनको एज अ हीरो हीरोइन मान करके जितनी भी पेंटिंग्स थी वो बनाई जाती थी, ठीक। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं मेन फीचर्स के अंदर फीमेल फिगर्स और मेल फिगर्स, इनके बारे में लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनको याद रख लेना ध्यान से कि भाई फीमेल फिगर जैसा लिख रखा है बोर्ड पे वैसा ही है एज इट इज़। फीमेल फिगर पे आपके जितनी भी फिगर होती थी उनकी हाई फोरहेड दिखाना, बड़े बड़े फोरहेड दिखाना, ओवल शेप फेस दिखाना, फिर शार्प नोज दिखाना, एंड लोटस पेटल लाइक लार्ज आईज, ऐसी फिश लाइक आइज होती है ना, लोटस पेटल लाइक आइज दिखाना। फिर वो क्या क्या पहनती थी, हाइट हाफ स्लीव चोली पहनना, लॉन्ग लहंगा, एंड हेड के ऊपर वो एक ट्रांसपेरेंट चुन्नी से कवर करती थी, ठीक है, सेम जैसा हमने राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनीचर पेंटिंग में ही पढ़ा था वैसा सा सेम ही है, यहाँ पे भी कुछ डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। भाई अगर हम मेल की बात करें तो वो टाइट पजामस पहनते थे एंड कुर्ता विद हेड गियर, सर के ऊपर जो हेड गियर पहनते वो पहनते थे, ठीक है। एंड यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स होती थी उनमें ब्राइट कलर्स का ऑलरेडी यूज़ होता था, मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था जब मैं आपसे बसोली के बारे में बात कर रही थी, बसोली स्कूल ऑफ मिनीचर पेंटिंग, ठीक है, ब्राइट कलर्स का यूज़ किया जाता था, डेलिकेट लाइंस, क्लियर लाइंस का, बोल्ड लाइंस का दिखाना, वो सारी चीज़ें, ब्लू एंड येलो, रेड एंड ब्लू एंड ग्रे एंड ब्राउन कलर्स को दिखाया जाता था ताकि जो जितने भी कलर्स है वो काफ़ी ज़्यादा निखर करके आए, उन कलर्स को मिक्स करके बनाई जाती थी। एंड जितनी भी पेंटिंग्स बनती थी वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू जो थीम है उसी के ऊपर बनाई जाती थी, ठीक है।
हिंदू रिलीजन को एज अ थीम मान करके। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पेंटिंग्स के ऊपर, आपको कौन कौन सी पेंटिंग्स करनी है, तो पेंटिंग्स करनी है, दैट्स इट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके अंदर आपको सारी सारी चीज़ें मैंने बता दी है। पेंटिंग आर्टिस्ट, उसका सब स्कूल, मीडियम, टेक्निक, स्कूल एंड कलेक्शन, जितनी चीज़ें हैं जब भी आपको आंसर लिखोगे पेंटिंग का, आपको सारी सारी चीज़ें मैंशन करनी करनी है, ठीक है। बंसरों कैसे फ्रेम करना है, कैसे देखना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के अंदर, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पेंटिंग पर आते हैं, दैट इज़ आपका है कृष्णा विद गोपीज, जहाँ पे आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, फोटो भी आई थी कि भाई कैसे जो कृष्ण जी हैं वो बीच में खड़े हुए हैं और उनके आसपास गोपियाँ हैं, तो वही इस पेंटिंग के अंदर भी डिस्क्रिप्शन है। दैट्स इट, जहाँ पे ये फोलियो लिया गया है गीत गोविंद से, जहाँ पे कृष्ण जी जो है वो 8 गोपियों के साथ हैं, ठीक है। अब गोपीज़ में क्या है भाई, गोपीज़ हैं वो 8 गोपीज़ हैं, अलग अलग पोस्चर में हैं जिन कृष्ण जी के सराउंडिंग्स में, एंड काफ़ी अलग अलग उन्होंने मल्टी कलर ट्रांसपेरेंट ड्रेसेस पहनी हुई हैं, किसी की ड्रेस सेम नहीं है, ठीक है। सबके अलग अलग कलर की ड्रेसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा वो खुश हैं, स्माइल कर रहे हैं क्योंकि वो कृष्ण जी के आसपास हैं, ठीक है। गोपी जब कृष्ण जी के पास होती है वो खुश होती है ना, बस वैसा सा ही सीन है यहाँ पे भी, वो बहुत ज़्यादा खुश है, काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही हैं, उन्होंने ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं एंड बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन दिखाया हुआ है जितनी भी गोपीज हैं सबके चेहरे पर। वही अगर हम कृष्ण जी की बात करते हैं दूसरी हो, तो वो ब्लू लाइम्ड कलर से दिखाए गए हैं एंड इसी के साथ उन्होंने येलो कलर की धोती जो हमेशा कृष्ण जी पहनते हैं, ठीक है। तब आप इमेजिन करते हो भगवान जी को, कृष्ण जी को, तो वो कैसे रहते हैं, बस वही यहाँ पे भी दिखाया गया है, ठीक। तो येलो कलर की उन्होंने धोती पहनी हुई है एंड लॉन्ग गार्लैंड, गार्लैंड मतलब जो फूलों की माला है वो भी उन्होंने नेक पे पहनी हुई है, ठीक। और बाकी क्या कर रहे हैं कृष्ण जी भी और गोपीज भी, कि वो लोग सिंग कर रहे हैं ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, वन मार्कर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कि कृष्ण जी और गोपीज कहाँ हैं, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना पे हैं, जो कि जितने भी फिगर्स हैं उनके ऐसे लोटस पेटल लाइक स्ट्रेचेज आई हैं, ठीक है। फिर जो वॉल है वो भी डेकोरेटेड है, जो पेंट हाई होराइजन है मतलब कि पूरी पेंटिंग है, उस पेंटिंग का जो सबसे टॉप मोस्ट एरिया है, ठीक है, 1 इंच का जो टॉप मोस्ट एरिया है वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, वहाँ पे स्काई बनाया गया है एंड जितने भी पूरी की पूरी पेंटिंग है वो रेड बॉर्डर से ढकी हुई है एंड ट्रीज हैं उस पूरी की पूरी पेंटिंग के आसपास, ठीक। तो बहुत ही छोटा सा डिस्क्रिप्शन था इस फर्स्ट वाली पेंटिंग का, नेक्स्ट वाली पेंटिंग का भी सेम है, ज़्यादा कुछ नहीं है, जो आपको पिक्चर दिख रही है जो जो चीज़ें दिखती जा रही है उसको बस साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट पेंटिंग इज नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। यहाँ पे भैया जो पूरा का पूरा जो पेंटिंग बनी हुई है भगवत पुराण से एक एपिसोड लिया गया है। एपिसोड लेने का मतलब है कि वहाँ से कोई चीज़ हमें बता चली उसको हम एज अ पेंटिंग के फॉर्म में बना रहे हैं, पिक्चर कर रहे हैं उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि भाई जो पूरी की पूरी पेंटिंग है बहुत ही ज़्यादा नेचुरल पेंटिंग बनाई गई, इसमें बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स हैं, ठीक है, भीड़ भाड़ वाली में जाइए बहुत ज़्यादा ह्यूमन फिगर्स हैं, कैटल्स हैं, इसी के साथ साथ जितनी भी पेंटिंग्स की जो फिगर्स हैं बहुत स्मॉलर छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाई गई हैं, ठीक है, बहुत ही लीनियर क्वालिटी से जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो दिखाई गई है, प्रॉपर बारीकियाँ दिखाई गई हर एक पेंटिंग के अंदर एंड जो पूरा का पूरा सीन है वो पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, मतलब क्राउडेड सीन है। हम लोग देख सकते हैं कि भाई बुलक कार्ट के ऊपर कौन कौन है, नंदराज हैं जो कि आगे बैठे हुए हैं, फिर हम लोग पीछे देख सकते हैं कि भाई नंद कृष्ण जी और यशोदा जी हैं जो पीछे हैं, स्टार्टिंग में है नंदराज जी, ठीक है। और ये सब के सब जो पूरे क्राउडेड एरिया है सबके सब जा कहा है ना, ये सब जा रहे हैं वृंदावन, ठीक है, तो कोई हेडिंग में भी पता चल गया है, ठीक। और जो पूरी की पूरी पेंटिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ब्यूटीफुली दिखाई गई है, रिच एंड कूल कलर्स दिखाए गए हैं, कूल मतलब ठंडे कलर्स, ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू और ग्रीन कलर दिखाया गया है पूरी की पूरी पेंटिंग के अंदर। देख सकते हैं कांगड़ा स्टाइल का इन्फ्लुएंस जो है हम इन पेंटिंग्स के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे बुलक्स को दिखाया गया, बुलक कार्ट्स को एंड जितने भी अटेंडेंट फिगर्स हैं उनको दिखाना, एंड इसी के साथ साथ मुगल्स का भी इन्फ्लुएंस हम इन पेंटिंग्स के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि अगेन वही सीक्वेंस है मुगल डेक्कन राजस्थानी पहाड़ी, तो मुगल का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं जितनी भी पेंटिंग्स है उसके अंदर में दिख रहा है, उनके डेलिकेट लाइन से, उनके प्रीशियस ड्राइंग से, उनके ब्राइट कलर्स का यूज से, ठीक है। सो विद दिस आपका पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग हो गया है फाइनली कंप्लीट। गाइस सो विद दिस आपका यूनिट नंबर 1 फाइनली कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने 2 चैप्टर्स डन कर लिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन आपके राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल। नेक्स्ट हम लोग बढ़ने वाले हैं मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के अंदर, जिसको मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ एज अ बेस मान के चलना है, क्योंकि सबसे पहले पेंटिंग्स वहीं पे डेवलप हुई थी, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, इसी के साथ साथ कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी बता देती हूँ। अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है, कुछ बताना है, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मेरे इंस्टा आई डी पे मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो टिल देन
टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर एंड बाय बाय।